and currently we are at one of the most iconic locations in Malaysia. पीछे बैकग्राउंड देखिए तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि मैं कहाँ हूँ. तो मैं हूँ बाटू केव्स में. यहाँ ऊपर तीन मेजर केव्स हैं और उन केव्स पे जाने के लिए यू हैव टू क्लाइंब अ टोटल ऑफ 272 कलरफुल स्टेयर्स. दिस प्लेस ओपन्स एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टिल 8 PM. This Lord Kartikeyan statue is standing tall at a height of about 42 meters. और ये दुनिया का दूसरा Lord Kartikeyan का सबसे लंबा statue है. जो सबसे बड़ा statue है that is in India only. और जब आप ऊपर जाओ इन stairs पे, so be very careful. यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं और वो आपका सामान ले लेते हैं और सामान देने के लिए you have to feed them bananas. So be careful with that. मेरी टिप ये रहेगी कि आप यहाँ पे जितना जल्दी आ जाओ तो बेटर. ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है. अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं बट ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश है. अभी तो आधी स्टेज भी नहीं चढ़ी एंड आई एम तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. फाइंड 3 मेजर केव्स. जो पहली केव है जो बिल्कुल मेरे पीछे है इज अबाउट 100 मीटर्स टॉल और इस केव को कहते हैं द कैथेड्रल केव. यहाँ पे अंदर और भी हिंदू टेम्पल्स हैं. इस पूरी जगह को घूमने के लिए आपको कम से कम भी 1-1.5 घंटा तो लगेगा. और ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरी जगह है ये आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पूरा पानी के अंदर सबमर्ज थी और ये जितने भी केव्स हैं ये नेचुरली फॉर्म हुए. तो आज वी आर डूइंग अ डे ट्रिप फ्रॉम कुआलालंपुर टू बाटू केव्स एंड गेंटिंग आइलैंड्स. सो बाटू केव्स तो हम लोगों ने कर लिया और अब हम लोगों की अगली डेस्टिनेशन है गेंटिंग आइलैंड्स, जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. कुआलालंपुर से बाटू केव जाने में अप्रॉक्सीमेटली 30-35 मिनट्स लगेंगे और जल्दी से ये जगह घूम के यू गो स्ट्रेट टू गेंटिंग आइलैंड्स बिकॉज वहाँ पे कैसीनोस और बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क्स हैं. तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करना इज रियली वर्थ. सो वी आर करंटली एट द बेस ऑफ द गेंटिंग आइलैंड्स. यहाँ से आगे जाके देर इज़ अ स्काई कैप कॉल्ड एज द अवाना स्काई कैप. उससे ऊपर टॉप पे माउंटेन पे जाएंगे. सुपर एक्साइटेड लेट्स गो. पीछे इज द केबल कार और यहाँ से बेस स्टेशन है. यहीं से केबल कार स्टार्ट होती है. इसको कहते हैं अवाना स्काई कैप्स. यहाँ पे आप केबल कार में बैठोगे और 3 स्टेशन ऊपर गेंटिंग माउंटेन्स में उतर जाओगे. और बीच वाले स्टेशन पे अभी मैं दिखाऊंगी वहाँ पे एक चाइनीज़ टेम्पल भी आता है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. और जब यहाँ पे पीक सीज़न होता है तो इन स्काई कैब्स को पकड़ने के लिए 1.5 से 2 घंटे की वेटिंग भी होती है. आज देखती हूँ मैं कितना जल्दी इस पर बैठ पाती हूँ. इस स्काई कैब की टिकट भी मैंने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी फ्रॉम दी ऐप कॉल्ड एस क्लूक और मुझे 175 रुपीज़ में पर पर्सन ये टिकट पड़ रही थी आफ्टर डिस्काउंट. तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आगे ऑफलाइन भी बहुत सारे कियोस्क हैं, आप कहीं से भी जाके टिकट ले सकते हो. सो हम लोग अभी गेंटिंग आइलैंड्स में खड़े हैं. यहाँ पे आने के 2 तरीके हैं. या तो आप एकदम ऊपर टॉप तक माउंटेन्स पे बाय कार भी लेके जा सकते हो, अदरवाइज अवाना स्काई कैब ये बेसिकली इस कंपनी की केबल कार चलती है, ऊपर टॉप तक लेकर जाती है. और अभी हम करंटली 1st स्टेशन पर हैं विच इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स चिन सुई केव टेम्पल. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली और नॉट, तो मैं नीचे पूरा नाम लिख दूँगी. ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चाइनीज़ टेम्पल है. इट्स अ फ्री स्टॉप, आप यहाँ पर उतर के उस टेम्पल को विजिट करके वापस से अपनी अवाना कैब में ऊपर जा सकते हो. ये हर दिन अपडेट होती है फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टिल 11 PM. हम ऑलरेडी 6th एस्केलेटर पे चढ़ रहे हैं. काफ़ी नीचे है ये मंदिर.
मम्मी कैसी है जगह? वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है जैसे नजारे कश्मीर में आ गए हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टेंपल है और टेंपल जितना खूबसूरत है उससे ज़्यादा खूबसूरत तो यहाँ की लोकेशन है। डेफिनेटली आप इस पॉइंट को बिल्कुल चेकआउट करिएगा जब भी आप गेंटिंग आइलैंड जाए। अगर आप मलेशिया में हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस जगह को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। इतनी अमेजिंग राइड्स हैं और इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। पूरा दिन भी यहाँ पे स्पेंड करो तो भी कम है। दिस प्लेस ओपन्स एवरी डे फ्रॉम 7 AM इन द मॉर्निंग, पर जो आउटडोर थीम पार्क है वो शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। बाकी इंडोर थीम पार्क और कसिनो वो रात को लेट तक भी चलते रहते हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट वर्ल्ड होटल भी है जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल्स में से एक है। हमको लग रहा था कि गेंटिंग हाईलैंड से वापस से क्वालालंपुर जाने में दिक्कत आएगी, इसीलिए हमने पूरे दिन की कैब बुक कर ली थी फॉर 180 रिंगेट। जो सबसे पहले हमको बाटू केव्स लेके गई, फिर बाटू केव से हम गेंटिंग हाईलैंड्स आए और गेंटिंग हाईलैंड से वी गोइंग बैक टू क्वालालंपुर। पर यहाँ पे आके पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर टैक्सी के भी कियोस्क लगे हुए हैं और बस टर्मिनल भी है जो सीधे आपको सिटी सेंटर ड्रॉप करेगी। अवाना स्काई कैब से फर्स्ट स्टेशन जो चिनशुई केव टेम्पल है, मेक श्योर कि आप वहाँ तो डेफिनेटली विजिट करो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चाइनीज टेम्पल है और लोकेशन, जिस लोकेशन पर वो है, इट इज़ जस्ट अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो अ बिग बिग येस टू बाटू केव्स एंड गेंटिंग हाईलैंड। बैक टू क्वालालंपुर हम लोग इस जगह पर आए हैं जिसका नाम है इस्ताना निगारा और ये बेसिकली किंग पैलेस है। तो जो मलेशिया के करंट किंग और क्वीन है वो अंदर इसी पैलेस में रहते हैं। और ये जो पैलेस है ये साल में सिर्फ 2 बार खुलता है, एक तो किंग की बर्थडे पे और एक रमादान के टाइम पे। बट अभी किंग अंदर नहीं है इसलिए द पैलेस इज क्लोज राइट नाउ। और ये जो घर है द किंग पैलेस, इसकी वैल्यू है 800 मिलियन रिंगित। So this behind me is the Merdeka Square, or you can call it as the Independence or the Freedom Square of Malaysia. In fact, this was the very first building that was constructed after Malaysia got independence. तो बिल्कुल केएल टावर के पीछे देर इज अ स्ट्रीट कॉल्ड एज लेबो अम्पांग। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली और नॉट, मैं
आपको स्ट्रीट का नाम नीचे मेंशन कर दूंगी, बट ये एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंडियन फूड एंड नॉट जस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स बट द रेस्टोरेंट सर्विंग वेज एंड इवन जैन फूड जस्ट लाइक दिस वन. अभी मैंने यहीं पे खाना खाया है और इस रेस्टोरेंट का नाम है संगीता रेस्टोरेंट और यहाँ पे भी जैन थाली वगैरह सब कुछ सर्व हो रही है.